नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्न निर्माण लेसन नंबर 2 में जो प्रश्न निर्माण है वो करना सीखते हैं। देखिए, प्रश्न निर्माण में उपयोगी होता है किम शब्द, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। यदि संज्ञा शब्द जिस वचन में, जिस विभक्ति में होता है और जिस लिंग में होता है, उसी लिंग, वचन और विभक्ति में हम किम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, नंबर 1, रेखांकित पदानाम प्रश्न निर्माणम करुत, रेखांकित पदों का प्रश्न निर्माण कीजिए। तत्र राज सिंहो नाम राजपुत्र वस्ति स्म, वहां राज सिंह नामक राजकुमार रहता था। अब राज सिंह में विभक्ति कौन सी है, वचन कौन सा है, यह हमें देखना है। यहां पर संधि है, इसलिए जो उ की मात्रा लगाई हुई है इसको हम विसर्ग मानेंगे। राज सिंह है, तो राज सिंह है जैसे राम है, प्रथमा विभक्ति एकवचन है और राज सिंह है पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। तो किम शब्द में हम प्रथमा विभक्ति एकवचन देखेंगे और पुल्लिंग देखेंगे। तो किम शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन और पुल्लिंग होता है, कह है। तो राज सिंह के स्थान पर हम प्रश्न बनाने के लिए लिखेंगे कह, ठीक है। बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहरितवती। अब इसमें चपेटया जैसे लतया, तो इस प्रकार से तृतीया विभक्ति एकवचन है। चपेटया शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि तृतीया विभक्ति एकवचन है और स्त्रीलिंग है, कैसे, जैसे लतया, राधया, रमया, इस प्रकार से। तो तृतीया विभक्ति एकवचन स्त्रीलिंग है, तो हम किम शब्द भी तृतीया विभक्ति एकवचन स्त्रीलिंग लिखेंगे। तो किम शब्द तृतीया विभक्ति एकवचन स्त्रीलिंग होता है, कया। तो चपेटिया के स्थान पर हम लिखेंगे कया और प्रश्न निर्माण बन गया। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइए यहां पर, जैसे बुद्धिमती कया पुत्रो प्रेरितवती, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। मान लीजिए जैसे बुद्धिमती का प्रश्न बनाना है, तो बुद्धिमती स्त्रीलिंग है और प्रथमा विभक्ति एकवचन है। तो बुद्धिमती स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति एकवचन है, तो किम शब्द भी स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन लिख सकते हैं हम, का। इसके स्थान पर बनाए तो का। और मान लीजिए पुत्रव, इसके स्थान पर प्रश्न बनाना हो तो पुत्रव, जैसे रामे रामो, तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। तो किम शब्द में प्रथमा विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करेंगे, जैसे कह है कऊ, तो पुत्रव के स्थान पर कऊ लिख सकते हैं। कहने का मतलब, चाहे इसका प्रश्न बनाना हो, चाहे इसका प्रश्न बनाना हो, चाहे इसका प्रश्न बनाना हो, तो इनका वचन विभक्ति और लिंग देखेंगे और वही वचन और विभक्ति और लिंग हम किम शब्द का लिखेंगे। नेक्स्ट है व्याघ्रम दृष्टवा धूर्ते श्रृगाल एवदत्। व्याघ्रम ये तृतीया विभक्ति एकवचन है, जैसे रामम द्वितीय विभक्ति एकवचन है। तो व्याघ्र पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति एकवचन है, तो किम शब्द भी पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे किम शब्द द्वितीय विभक्ति एकवचन होगा, क्या होगा, कम लिखेंगे, कम सेंटेंस में कम लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे कम दृष्टवा धूर्ते श्रृगाले एवदत् और एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है त्वम मानुषात विभेषी, तुम मनुष्य से डरते हो, तो मानुषात रामात पंचमी विभक्ति एकवचन, रामा राम की तरह, तो मानुषात में पंचमी विभक्ति एकवचन है, पुल्लिंग है मनुष्य। तो किम शब्द भी पंचमी विभक्ति एकवचन पुल्लिंग लिखेंगे, कस्मात पंचमी एकवचन कस्मात। त्वम कस्मात विभेषी, तुम किससे डरते हो, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। केवल एक शब्द नहीं लिखेंगे, ये जो कस्मात है मनुषात के स्थान पर लिखेंगे त्वम कस्मात विभेषी और यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट है पुरा त्वया मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्तम, प्राचीन काल में तुमने मुझे 3 बाघ देने का वचन दिया था, दत्तम दिया था। तो यहां पर मह्यम अस्मत् शब्द है, चतुर्थी विभक्ति एकवचन है। तो मह्यम मुझे, तो यहां पर चतुर्थी विभक्ति एकवचन किम शब्द लिखेंगे, कस्मै
कसमय पुल्लिंग के लिए और कसई स्त्रीलिंग के लिए, कसई स्त्रीलिंग के लिए। हमें पता है कि बाघ, तीन बाघ देने का वचन किसको दिया था? बुद्धिमती को दिया था, तो स्त्रीलिंग है तो हम कसई यूज करेंगे स्त्रीलिंग, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे? पुरा तोया कसई व्याघ्र त्रयम दत्तम। और फिर यहां पर प्रश्न जो पूर्ण विराम लगाया हुआ है इसको हटा करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट है बुद्धिमती पुत्र द्वयो पिता पितु ग्रहं प्रति चलिता। यहां पर पितु, इसमें पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन है, लेकिन सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो देखिए कौन सी विभक्ति है। बुद्धिमती अपने दो पितरों के साथ पिता के घर की ओर जा रही थी, के तो यहां पर षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो पितु पुल्लिंग है तो पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा कस्य। कैसे? बुद्धिमती पुत्र द्वयो पिता कस्य ग्रहण प्रति चलिता, और यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट है सा भामिनी निज बुद्ध्या व्याघ्र से भयात विमुक्ता। वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो गई। तो निज बुद्ध्या बुद्धि स्त्रीलिंग है और तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो हम किम शब्द स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे? कया, 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 जैसे का के का, काम के का, कया, कया तृतीया विभक्ति एक वचन है स्त्रीलिंग, क्योंकि ये शब्द भी तृतीया विभक्ति है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है, इसलिए किम शब्द भी तृतीया विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का यूज करेंगे और प्रश्न निर्माण बना देंगे। कैसे? सा भामिनी कया व्याघ्र से भयात विमुक्ता, और यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा श्रृगाल एहस। भैसे व्याकुल बाघ को देख करके गीदर हंसने लगा। तो भयाकुलम यह है गुण, और गुण के स्थान पर हम कीदृश, कीदृशी, कीदृशम का प्रयोग करते हैं, तो भयाकुलम द्वितीया विभक्ति एक वचन है, तो हम लिखेंगे द्वितीया विभक्ति एक वचन कीदृशम, कीदृशम भयाकुलम की जगह। नेक्स्ट है बुद्धिमती व्याघ्र से भयात मुक्ता अभवत। बुद्धिमती बाघ के भय से मुक्त हो गई, तो यहां पर व्याघ्र से षष्ठी विभक्ति एक वचन है, जैसे रामस्य षष्ठी एक वचन है, तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखेंगे कस्य, कस्य, व्याघ्र से के स्थान पर कस्य लिखेंगे। बुद्धिमती कस्य भयात मुक्ता अभवत, और यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है प्रत्युत्पन्न मति ही सा श्रृगालम आक्षिपंती वाच। प्रत्युत्पन्न मति ये भी गुण है, तुरंत उत्पन्न बुद्धि वाली उसने बाघ को डांटते हुए कहा, तो प्रत्युत्पन्न मति के स्थान पर लिखेंगे कीदृशी, कीदृशी। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न निर्माण किया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।